नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। विवादों और जेएनयू का चोली दामन का साथ रहा है। एक के बाद एक नए विवादों का जेएनयू से सामना होता है और कभी नारों को लेकर तो कभी सरकारों को लेकर। यहां विश्वविद्यालय में छात्रों के गुट और संगठन का अलग ही जोड़ है। सबके अपने विचार और उन विचारों के आधार पर चलने का एक अलग ही तरीका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह जेएनयू के मेन गेट पर हिंदू सेना नाम के संगठन ने भगवा झंडा लगा दिया है। यही नहीं, जेएनयू कैंपस के आसपास और उसकी दीवारों पर भी इस संगठन ने भगवा जेएनयू नाम के पोस्टर भी लगा दिए। शुक्रवार की सुबह जब मामला सामने आया तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और भगवा झंडों को विश्वविद्यालय कैंपस के आसपास से हटा दिया। वसंत कुंज पुलिस ने जेएनयू मारपीट मामले में गुरुवार को 11 छात्रों से पूछताछ की। इनमें से 8 छात्र वामपंथी संगठनों के हैं, जबकि 3 छात्र एबीवीपी के हैं। इन छात्रों ने पूछताछ में एक दूसरे पर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पुलिस ने दोनों संगठनों के छात्रों से मारपीट की वायरल हो रही वीडियो की ओरिजिनल कॉपी मांगी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वामपंथी छात्रों ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी और उसके समर्थक हॉस्टल में नॉनवेज बनाने का विरोध कर रहे थे। वह नॉनवेज बनाने पर हॉस्टल के सचिव को धमका रहे थे। उन्होंने बीच बचाव करने का विरोध किया तो एबीवीपी वालों ने मारपीट की। वहीं एबीवीपी वालों ने आरोप लगाया है कि वामपंथी लोग उसके हवन का विरोध कर रहे थे और हवन में बाधा डाल रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 30 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनके बयान जल्द दर्ज किए जाएंगे। अभी पुलिस पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। हॉस्टल आदि जगहों पर तैनात सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ऐसे छात्रों की तलाश भी कर रही है जो किसी भी संगठन से न जुड़े हों और सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल बड़े विवाद के बीच आज का यह भगवा पोस्टर लगाने जैसा कदम एक और विवाद को दावत दे सकता है। समझ ही नहीं आता कि छात्र यहाँ क्या करने आते हैं, पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाने या फिर राजनीति करने।